subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं नाजा नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लोड शेडिंग और कराची के दीगर मसाइल पर सिंध असेंबली के बाहर एमक्यूएम का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। इमरान खान का ताल्लुक रियासत मदीना से नहीं, सोवियत यूनियन से है। एहसन इकबाल का कहना था कि रियासत मदीना पाकिस्तानियों के लिए एक मुकद्दस तसव्वुर है। के इलेक्ट्रिक ने तेल की किल्लत का बहाना बनाकर लोड शेडिंग मजीद बढ़ा दी। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कोरोना मजीद 59 जिंदगियां निकल गया। वायरस से 1,95,745 शहरी मुतासर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,775 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मंशियात के इस्तेमाल और इसकी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। UNODC की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में नशे के आदि अफराद की तादाद 30 करोड़ है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर सख्त तनकीद की, जिसमें वज़ीर आज़म ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान कहा कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। उसामा बिन लादेन दहशत गर्दी को हमारी सरजमीन पर लाया, वो एक दहशत गर्द था और वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें शहीद कहते हैं। उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया, ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट में तकरीर की। अमरीका के साथ ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वाशिंगटन की हिमायत करने के बावजूद बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ा था और फिर उसे अफगानिस्तान में अमरीका की नाकामियों का जिम्मेदार ठहराया गया। हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी किस कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनके उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एबटाबाद में आकर अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को मार दिया, शहीद कर दिया और उसके बाद पूरी दुनिया ने हम पर लान लतन किया और हमारे खिलाफ बयानात दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि उस वक्त पाकिस्तान को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वाज़ह रहे कि मई 2011 में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अमरीका की स्पेशल फोर्सेज ने हमला करके उसामा बिन लादेन को हलाक किया था। कुंवर नवीद जमील का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एमक्यूएम पाकिस्तान की एक स्कीम भी कबूल नहीं की। सिंध के बजट में कराची और हैदराबाद का हक मारा गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान असेंबली का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। सिंध असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील ने इस मौके पर मुजाहरीन से खिताब भी किया। कंवर नवीद जमील का कहना है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एमक्यूएम पाकिस्तान की एक स्कीम भी कबूल नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के बजट में कराची और हैदराबाद का हक मारा गया है, हमें सिंध बजट मंजूर नहीं है। पार्लिमानी लीडर एमक्यूएम पाकिस्तान कंवर नवीद जमील का ये भी कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हमारा यह एहतजाज जारी रहेगा। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता रोज कराची के मसाइल और लोड शेडिंग के मामले पर एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान ने सिंध और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान असम्बली का सिंध असम्बली के बाहर आज दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। सिंध असम्बली में एमक्यूएम पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील ने इस मौके पर मुजाहरीन से खिताब भी किया। एहसन इकबाल ने इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाचोफ करार दे दिया। उन्होंने कहा इमरान खान का ताल्लुक रियासत मदीना से नहीं, सोवियत यूनियन से है। चीनी चोरों को बचाने के लिए पूरी इंडस्ट्री को चोर बना दिया। नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबित हो गया नैब शवाहिद के बगैर लोगों को गिरफ्तार करता है। जिन्होंने खेलों के मैदान बनाए वो नैब में पेश हो रहे हैं। एक जहाज क्रैश होने पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को दाव पर लगा दिया। ये एक एक करके हर शोबे को क्रैश कर रहे हैं। एहसन इकबाल का कहना था, रियासत मदीना पाकिस्तानियों के लिए एक मुकद्दस तसव्वुर है। नैब को कुछ नहीं मिलता तो नई टीमें हमारे पीछे भेज दी जाती हैं। गुज़िश्ता 10 रोज से FIA की टीमें हमारे पीछे लगी हैं। हम हुकूमती हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। लोगों को गिरफ्तारी के नाम पर हरासा किया जा रहा है। नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होने पर दिल का ऑपरेशन होगा। KElectric ने तेल की किल्लत का बहाना बनाकर शहर में लोड शेडिंग में मजीद इजाफा कर दिया, जिससे गर्मी के मारे शहरी बेहाल हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जो रोज बदतरीन होता जा रहा है। KElectric की जानिब से सारिफीन को तेल की किल्लत के बायस लोड शेडिंग के मैसेज भेजे जा रहे हैं और दिन रात लोड शेडिंग की जा रही है। सदर IIT चंडीगढ़ रोड, नुमाइश, लियाकताबाद, लियारी, फिडलबी एरिया, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, किमाड़ी, मलिर और गुलशन इकबाल समेत शहर के दीगर हिस्सों में KElectric की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लियाकताबाद C1 एरिया में रात के 11 बजते ही बिजली की फरामी मौतल हो जाती है, जो रात गए तक मौतल रहती है। दूसरी जानिब किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए बिजली की फरामी मौतल हो जाती है, जबकि IIT चंडीगढ़ रोड और सदर के इलाकों में भी दिन में कई मरतबा बिजली की फरामी मौतल हो जाती है, जिसके बाद रात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। KElectric की जानिब से शहर में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 2 से 3 बार 1-1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,95,747 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 59 अफराद जहां बाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,962 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,775 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 71,987, सिंध में 75,168, खैबर पख्तूनख्वा में 24,303, बलूचिस्तान में 9,946, गिलगित बल्तिस्तान में 1,398, इस्लामाबाद में 11,981, जबकि आज़ाद कश्मीर में 962 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 11,93,017 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,041 नए टेस्ट किए गए। अब तक 84,168 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,765 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 59 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,962 हो गई। पंजाब में 1,629, सिंध में 1,178, खैबर पख्तूनख्वा में 889, इस्लामाबाद में 119, गिलगित बल्तिस्तान में 23, बलूचिस्तान में 109 और आज़ाद कश्मीर में 25 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान की टॉप टेनिस प्लेयर सारा महबूब खान और उनके वालिद टेनिस कोच महबूब खान भी कोरोना का शिकार हो गए। शेख रशीद मिलिट्री अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर मुंतकिल हो गए। वापसी पर वफाकी वजीर ने अस्पताल अमले का शुक्रिया अदा किया। शेख रशीद कोरोना के बाद 11 जून से जेरे इलाज थे। इस हवाले से ज़ैगम महमूद रिजवी ने कहा, दो चीजें बड़ी कॉमन मुझे नजर आई है। एक चीज के जी जो एक स्लोगन जो है जो थर्ड वर्ल्ड में या एशिया पैसिफिक में है, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द लग्जरी ऑफ द रिच पीपल। मंशियात के इस्तेमाल और इसकी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात और जराइम UNODC की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में नशे के आदि अफराद की तादाद 30 करोड़ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेखबर अपनी रगों में जहर घोलते नशे के आदि अफराद,
जिस तरह दहशतगर्दी ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है, इसी तरह मुनशियात और उसकी स्मगलिंग भी एक आलमी मसला है। सर्वे के मुताबिक आलमी सतह पर 300 से 500 अरब डॉलर सालाना की मुनशियात फरोख्त होती है, जबकि कानूनी अदवियात की तिजारत का तखमीना 300 अरब डॉलर लगाया गया है। पाकिस्तान में मुनशियात की रोकथाम के लिए बोतातेद इदारे काम कर रहे हैं, ताहम इसके बावजूद बड़े पैमाने पर मुनशियात का गैर कानूनी कारोबार होता है। प्रोवेंशियल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स सिंध के मुताबिक कोविड-19 की वजह से 20 से 25% नशा करने वालों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 1% लोग नशे की आदत की वजह से हर साल इंतकाल कर जाते हैं, और कोविड-19 की वजह से कम 20% जो है वो लोगों के साइकेट्रिक ड्रग के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान में जो परसेंटेज है नशे के आदी लोगों की कम से कम 20% है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 25 करोड़ से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ इकसाम की मुनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हर साल उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 90 लाख से ज़ायद अफराद मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं। मुनशियात के इस्तेमाल से जहाँ ज़हनी अमराज लाहक होते हैं, वहाँ उसके आदि अफराद के HIV, जिगर के सरतान, हेपेटाइटिस बी और सी में मुबतला होने का भी खदशा मौजूद रहता है। फिजिकल इफेक्ट्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान ने कौन सी ड्रग ली है, किस तरह से ली है, किस तरह से, मुराद ये है कि उसने किस तरह से अपनी बॉडी में उस ड्रग को पहुंचाया है, कितनी क्वांटिटी में ली है और कितने अरसे से ले रहा है। मेडिकल हेल्थ में ड्रग्स का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म आपको HIV/AIDS खूनी तरह की बीमारी, बिकॉज आप नीडल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, आप इन्फेक्टेड लोगों की नीडल्स इस्तेमाल करते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको मज़ीद आपके जिस्मानी और ऐसे मसले लाहक हो जाते हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता है। कोकेन अफ्रीका, एशिया, यूरोप और शुमाली अमरीका में ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, जबकि गांजे का इस्तेमाल शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और एशिया में ज़्यादा है। अक्वामे मुत्तहिदा के मुनशियात और जराइम के बारे में इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तौर पर 1,88,00,000 अफराद गांजे के आदी हैं। उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शुमाली अमरीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत बैरुल काहिल में मशरकी और वस्ती अफ्रीका के ममालिक में किया जाता है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।